तो भाई सो के अभी उठाऊँ फर्स्ट, अभी तो जाता हूँ एजेंसी। नाइट में काफ़ी लेट हो गया था, लेट आया था बहुत ज़्यादा, नींद तो भी आ रही है बट टाइम छुटना पड़ा मुझे, तो एजेंसी जा रहा हूँ। पता करता हूँ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला आप आ जाओ एक बार देख लो, तो जाता हूँ फिर उस टाइम पता लगे क्या है क्या नहीं है। और सो है गाइस बैक टू माय न्यू व्लॉग, आई होप सभी ठीक ही होंगे। मम्मी तो बोल रही थी भाई आप उसको उठाते होंगे बार बार, उससे दिक्कत आई है, तो मैंने बोला मम्मी इससे कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी उठाने से, और थार भी क्या प्रॉब्लम, थार क्या बिगड़ता है यार, थार गाड़ी है इतनी मजबूत है कुछ नहीं बिगड़ता। तो चलते हैं एजेंसी, पता करते क्या दिक्कत कर रही है थार जो बार बार परेशान कर रही है मुझे। अब तो ये कुछ दिन पहले ठीक कराई आ रही है, दोबारा यही प्रॉब्लम आ गई, और नाइट में कुछ ज़्यादा परेशान कर दिया यार इसने मुझे, लिमिट से बाहर परेशान हो गया मुझसे। तो भाई कुछ भी नहीं खाया, सुबह सुबह उठाऊँ बस चाय पिए और सीधा एजेंसी जा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा मन नहीं लगा बहन जी, थार खराब हो गई और जो उसने रात परेशान किया भाई कुछ ज़्यादा परेशान कर दिया। अरे टी टी बंद हो जाए यार, क्यों परेशान कर रही तू भी, तो सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी। अब ठीक है अब तो बंद होगी ना, कुछ नहीं खाया, उठा और एक कप चाय पी और चल दिया एजेंसी की तरफ। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ फाइनल एजेंसी में, और चलते हैं पता करते हैं क्या प्रॉब्लम आई थार में। भाई अपनी गाड़ी में चेक कर रहा भाई, पता नहीं कौन भाई चेक कर रहा है, बट चेक कर रहा है क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ भाई जी क्या हाल है? ठीक है सर। बढ़िया, ये कौन नीचे? ये महावीर इलेक्ट्रिशियन। अच्छा महावीर लग रहा है क्या? हाँ भाई महावीर। अरे कुछ मिला इसका? हाँ मिल रहा है। क्या मिल गया भाई? अभी देख रहे हैं। अरे भाई बड़ी दिक्कत आई नाइट में यार, मैं गुड़गांव खराब हुई थी रात, ये नहीं सोना सोना क्रॉस करके तब खराब हो गई भाई ये, चलती चलती बंद हुई गाड़ी। महावीर भाई गाड़ी चेक कर रहे हैं और बोल रहा है कुछ देर में बता रहा हूँ मैं क्या दिक्कत है इसमें, क्या हुआ था ये। और भाई सौरभ जोशी व्लॉगर है, उसके व्लॉग आते बहुत ज़्यादा, मैंने उसके व्लॉग देखे तो मुझे लगा यार ये बोलता है मेरे थार में ये हो रहा है, आज मेरे थार में वो हो रहा है, तो मैं बोल रहा यार ये तो ऐसे ही करता है, इसके थार में कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे व्लॉग बनाता है। बट भाई मुझे आज पता लग गया थार में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक बार वहाँ थार ख़राब हुई और सेकेंड टाइम यहाँ ख़राब हो गई, थार ख़राब होती है भाई। देखते हैं क्या हुआ था इसमें, कुछ देर पता ही लग जाएगा, बट थार बहुत ज़्यादा ख़राब होती है यार, सेकंड टाइम सेकंड बार थार ख़राब हो गई, सच बोलता सौरभ जोशी भाई उसकी थार ख़राब ही होती है भाई, मुझे लगा वो ऐसे करता है बट ख़राब ही होती है, मेरी ख़राब हो गई इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मुझे पता लग गया अब इसके बारे में भी। तो भाई अब की बार भी सेल्फ में दिक्कत आई है भाई, सेल्फ चेक कर रहा है पता नहीं उस टाइम भी कैसे सेल्फ पर काम किया था इन्होंने, और अब महावीर भाई सेल्फ चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें, तब पता लगेगा। नहीं बोल रही भाई ये करंट ना यार। तो भाई अपनी थार की ये ब्रश प्लेट होती है ये हो गई खराब, इसकी पहले भी चेंज कराई थी हमने, अब से पहले ये हुई थी खराब इसकी, अब ये भी हो गई दोबारा खराब, पता नहीं बार बार दिक्कत आ रही है, शायद इसमें और कोई प्रॉब्लम भाई इसमें, इसके अलावा जो बार बार इसको ख़राब कर रही है गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम है, वो तो दूसरी बार हुई खराब है, एक बार चेंज करा ली हमने। तो भाई गाड़ी को खड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसमें जो इसकी वो है सेल्फ में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी मुझे लग रहा है सेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें प्रॉब्लम कोई इंजन में है, और मैंने बोल दिया आप पूरा टेस्ट कराओ गाड़ी का जो भी है वगैरह इसमें, जो कोई दिक्कत दोबारा ना आए, कार बड़े परेशान हो गया था भाई मैं,
और मैं पूरी टेस्टिंग कर लेना जो भी इंजन की और सेल्फ की सब चीज़ की, और फिर बताना मुझे। और मैंने इनसे बोल दिया सामने का शीशा टूटा हुआ है, इसका शीशा भी आ गया, ऑर्डर लगाया था मैंने उसका, तो वो भी चेंज करा देना इसका। तो मैं चलता हूँ घर के लिए अब। कैसे हो भाई, आई होप सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो भाई मैं जाता हूँ महिंद्रा एजेंसी, क्योंकि अपनी थार अब तक ठीक हुई नहीं है। और उस टाइम मैंने थार खड़ी की थी मैंने 2 मार्च को, आज हो गई 14 मार्च, और अपनी थार नाइट में ख़राब हुई थी गुड़गांव, तो वहाँ से मैं उसको लाया था, टो करके खींच के लाया था क्या सेल टोर से अब तक थार खड़ी एजेंसी में। उस टाइम मुझे बताया था इसमें मतलब कि इसमें इसकी सेल्फ में दिक्कत है, बट सेल्फ उसने चेंज कर दी है, सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें इंजन में प्रॉब्लम है। मैं चलता हूँ एजेंसी, पता करता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है इसमें, कब तक अपनी थार ठीक हो जाएगी। तो चलते हैं फिर अब एजेंसी, कितना टाइम लगता है अपनी थार को ठीक होने में, कब तक मिल जाएगी मुझे वो, क्योंकि यार काफ़ी दिन हो गए। और मैं स्कॉर्पियो यूज़ कर रहा हूँ, ये है रिश्तेदार की, मतलब जो मेरे रिलेटिव है उनकी स्कॉर्पियो है। और भाई वो भाई बोल देना अल्लाह का शुक्र है लाख लाख बार, क्योंकि अपने वरना एक्सीडेंट हो गए भाई, बहुत बहुत रहम हो गई उसमें। मतलब कि अगर जो गाड़ी को देख रहा है, गाड़ी कंडीशन देख रहा है, वो ये बोल रहा है मतलब इसमें कितने क्या कुछ खाना कुछ तो नहीं हुआ है, बट उसमें बोलते हैं ना जिसकी ज़िंदगी उसको मारने वाला कोई नहीं है। और भाई अल्लाह का शुक्र है मतलब कि जो ड्राइविंग कर रहा था जो उसमें साथ में थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी कोई तो नहीं, गाड़ी तो और आ जाएगी, गाड़ी कोई 1% भी कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें यार किसी कुछ नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है। और मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा उसका इस पे अपने ब्लॉग पे, आप देख लेना, आप भी ये बोलोगे भाई किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई गाड़ी को देख कर। तो भाई फाइनली मैं एजेंसी पहुंच चुका हूं और अपनी थार खड़ी यहां पे। तो भाई अपना सामने का शीशा चेंज हो चुका है इसका, जो टूट गया था वो मैंने चेंज करा दिया। और बात करते हैं इसमें अंत से बात करते हैं कब तक अपनी थार मिल जाएगी, क्या प्रॉब्लम इसमें बता रहा हूं, इंजन की प्रॉब्लम है, करते हैं बात। तो भाई मेरी तेज भाई से बात हुई है और अपनी थार में इंजन में प्रॉब्लम है, तो इंजन में काफ़ी बताया जो आइटम था मुझे, मुझे नाम तो याद नहीं है, तो बोला है मैं ऑर्डर लगा दिया है, तो 7-10 दिन में आपका जो ऑर्डर लगा हमने आ जाएगा, तो आपको थार 25-26 मार्च तक मिल जाएगी आपको। मैंने चलो भाई थोड़ा जल्दी कराना क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी की वजह से, और अभी वरना को एक्सीडेंट हो गई थी इसलिए तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी थी अपने पास। और चलते हैं भिवाड़ी। तो भाई मैं एजेंसी आया था अभी थार को देखने काम कितना हो गया, बट थार में बिल्कुल काम नहीं हुआ, इंजन इसका है नहीं, जहाँ माइलेज का इंजन कहाँ गया रहा है इसका। तो भाई इसका इंजन पता नहीं कहाँ चला गया क्योंकि इंजन में प्रॉब्लम आई थी अपनी थार में, तो उस कुछ पार्ट थे वो आने हैं, उसके बाद इसका इंजन फिट होगा। तो भाई आई होप सभी ठीक ही होंगे। तो भाई मैं जाता हूँ महिंद्रा एजेंसी, अपनी थार खड़ी है वहाँ पे, काफ़ी दिनों से वहाँ खड़ी है वो, कितना काम हो गया देख करता हूँ उसमें। और अपनी स्कॉर्पियो वो सॉरी है हसन भाई की बाइक लिए जाता हूँ महिंद्रा, तो पर देख करता हूँ गाड़ी कितना काम हो गया अपनी में, कितनी स्कॉर्पियो वो सुझ जाएगी। तो भाई मैं एजेंसी पहुँच चुका हूँ, थार अपनी ऐसे ही खड़ी, कुछ नहीं हुआ था थार में काम, पता करता हूँ भाई से कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो भाई अपने इंजन का जो पार्ट थे वो आ गए और वो सेट हो रहे हैं, अपनी थार कल मिल जाएगी हमें, कल शाम के बोल रहे थे भाई, और मैंने बोल दिया अच्छे से काम करना जो भी कर रहे हो आप, जो दोबारा दिक्कत ना आए मुझे, और दोबारा दिक्कत आई थी भाई तो हम कार्रवाई आगे करेंगे। तो भाई चलता हूँ फिर मैं। सो है गाइस, आई होप सभी ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। तो भाई मैं जाता हूँ महिंद्रा एजेंसी क्योंकि अपनी थार खड़ी है वहाँ पे,
एक मंथ होने वाला है उसको वहाँ पे, उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी बट अब तक ठीक नहीं हुई है वो। और मुझे ये पता करना जाना उनसे अपनी थार में कितना काम हो गया है और कब तक मुझे थार मिल जाएगी। तो भाई चलता हूँ फिर महिंद्रा एजेंसी पर, पता करता हूँ उनसे, क्योंकि आज जो मुझे फील थार में आती है ना, नहीं फॉर्च्यूनर में नहीं ना स्कॉर्पियो में, थार के अलग ही मजा है भाई साहब। तो एक बार चलता हूँ महिंद्रा एजेंसी, पता करता हूँ थार मुझे कब तक मिल जाएगी। तो भाई ये अपनी थार खड़ी है, थार मिलेगी हमें कल, क्योंकि जो इसका इंजन काम हो रहा है, स्टार्ट हो गया है होना, तो थार अपनी कल मिलेगी। तो मैं चलता हूँ घर के लिए। सो है गाइस, कैसे हो, आई होप सभी ठीक ही होंगे। तो भाई आज अपनी थार मिलनी थी बट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या, उसका काम नहीं हो पाया भाई, क्योंकि वो जो उसका पार्ट मंगाए थे वो सेट नहीं हो रही उसमें अच्छे से। बट अब मुझे नितेश की कॉल आई, उसने ये बताया इसका इंजन ही चेंज कराता हूँ मैं, और अब मुझे एजेंसी जाना है, उससे बात करनी है प्रॉब्लम क्या आ रही है। भाई एक मंथ हो गया गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पे, और गाड़ी खड़ी कर दी थी मैंने 2 मार्च को, और आज 30 मार्च हो गया भाई, एक मंथ होने वाला, मतलब हुआ नहीं, हो जाए एक मंथ मान लो भाई इसको। उसने बताया सेल्फ की प्रॉब्लम है, मैंने ठीक है आप इसको करा दो, तो 10 दिन के लिए वो हो गई। तो उसने बोला 6-7 दिन, 10 दिन मान लो, 10 दिन में आप थार मिल जाएगी। तो जबकि उन्होंने थार की सेल्फ मंगा ली, ठीक है, तो उसके बाद फिर भी थार स्टार्ट नहीं हुई, प्रॉब्लम इंजन में है उसके में। तो उन्हें इंजन खोला और देखा तो इंजन में प्रॉब्लम थी, इंजन के कुछ पार्ट्स जाम हो गए उसके। तो उन्होंने फिर ये बोला मतलब कि आपकी थार 10-12 दिन और लगेंगे, क्योंकि हम इंजन के जो जो पार्ट खराब है, जाम वगैरह जो भी है, उनको ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, ठीक करते हैं। बट वो भी मंगाया, तो वो पार्ट मंगा लिया उन्होंने, तो कुछ पार्ट मतलब कि गलती से कुछ अलग आ गए 6-7 दिन के लिए। फिर दोबारा बोला मुझसे, वो पार्ट भी आ गए, तो उसके बाद मतलब कि फिर भी ठीक नहीं हुई। अब मेरी बात हुई है, आज की बात यह थी, आज रिहान जी आपको आपकी थार मिल जाएगी, बट आज थार नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अब मैं एजेंसी जाता हूँ, बात करता हूँ प्रॉब्लम क्या है, बट इंजन मतलब मैं उनसे ये बोल रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता, मुझे इसका इंजन ही चेंज कराना है थार का अपनी का, क्योंकि यार एक मंथ हो गया है, एक मंथ में थार नहीं मिली मुझे रिपेयर में, भाई इंजन में प्रॉब्लम आनी है। तो मैं कि अब अगर आप मुझे ठीक है आप करके दे दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए फिर मैं उसको उसका इंजन चेंज कराना है भाई मुझे, तो बात करता हूँ, चलता हूँ एजेंसी में। तो भाई एजेंसी में चलता हूँ और देखता हूँ थार में, वो जो उसका मैनेजर है उससे बात कर रही मुझे एजेंसी में, मेरी अलवर बात हुई थी हेड ब्रांच जो अलवर में, उन्होंने ये बोला मैं एक बार मैनेजर से जाकर बात करूँ, मैनेजर से जाकर बात करता हूँ, और अब थार का इंजन ही चेंज कराना है मुझे, अगर मैं रिपेयर कराऊंगा भाई दोबारा नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आनी आनी उसमें, इससे अच्छा उसका इंजन ठीक कराता हूँ मैं, ठीक नहीं मतलब चेंज ही कराता हूँ, तो न्यू फीस बिल्कुल। चलता हूँ मिलता हूँ उसे एजेंसी में। आज तो भाई साहब घर पे ही हैं, क्योंकि रमजान के महीने भाई एक मंथ तो घर पे ही रहते हैं, मतलब कि भाई साहब जाते हैं, मैं तो घर पे ही होता हूँ रमजान में भी, और तो रमजान में भी। अपना गेस्ट हाउस है, तो मैं चलता हूँ एक बार एजेंसी बात करता हूँ उनसे। यार एक मंथ से भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई, मैं भी ना बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर परेशान हो गया तुम्हें। तो भाई ये व्लॉग मैंने फर्स्ट में शूट किया था 2 मार्च को, और क्योंकि व्लॉग को मैंने सोचा मतलब जब हम थार मिलेगी पूरा व्लॉग कुछ टाइम अपलोड करूँगा, बट व्लॉग को मैं कल अपलोड करूँगा, और क्योंकि मैंने 2 को शूट किया था, कुछ किया था मैंने 14 को, कुछ किया था मैंने 22 को, जिस तरह मतलब तारीख में मतलब कि मुझसे बोला आपकी थार 14 को मिल जाएगी, ठीक है 14 तारीख गए, मैंने आज थार मिल जाएगी, आज शूट मतलब कि चलते हैं थार लेते हैं। तो उस टाइम मतलब मुझसे ये बताया इसकी इंजन प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझसे बोला 6-7 दिन में आपको थार मिल जाएगी, तो मैं कब तक मिल जाएगी, 22-23 तक, तो ठीक है। तो सेकंड टाइम में उस टाइम गया भाई, उस टाइम थार नहीं मिल पाई मुझे, उस टाइम मतलब कि उसमें प्रॉब्लम बता दी, तो फिर यहाँ 25-26 को मतलब कि आपको थार मिल जाएगी, उस टाइम नहीं मिली। तो आज जाता हूँ देखता हूँ भाई मैं थार कब तक मिल जाएगी मुझे, और इसका इंजन ही चेंज कराना है मुझे, उसके मैनेजर से जाके बात करता हूँ भाई, रिपेयर तो नहीं कराऊंगा, अगर रिपेयर कराए तो भाई सेकंड टाइम प्रॉब्लम आनी ही आनी उसमें, तो मैं इससे अच्छा भाई इसका इंजन ही चेंज करो, कैसा भी करो, अगर इंजन चेंज नहीं करेंगे भाई मैं थार को नहीं लूँगा वहाँ से, मुझे नहीं पता कुछ भी करो इंजन चेंज करो, भाई गारंटी किस चीज़ की है, एक मंथ से परेशान हूँ भाई मैं, चलता हूँ बात करता हूँ उनसे मैं।
और आप भी देखो। तो भाई मेरी नितेश से बात हुई थी और फिर मैंने मैनेजर से बात की, जो यहाँ के मैनेजर है महिंद्रा का, चौपान की भाई। तो उससे जो भी डिटेल, मतलब जो बात थी सार में, जो प्रॉब्लम आई थी, मुझे सब टोटली उसके बता दी मैंने। फर्स्ट में यहाँ भिवाड़ी में खड़ा होती, सेकंड टाइम गुड़गावा, और जो भी प्रॉब्लम आई है, जो मतलब कि अब तक आई है, और भाई एक मंथ हो गया थार को अपने यहाँ खड़े हुए। तो उससे मैंने बोल दिया अगर आप इसका इंजन कराते हो पूरा ही चेंज तो मैं थार लूँगा, वरना मैं थार नहीं लूँगा, इस थार में ही आग लगा दूँगा मैं। मैंने उससे बोल दिया तो उसने मुझसे बोला मतलब 99% मतलब हम आपका थार का इंजन ही चेंज कराएंगे। मैंने सर आप इंजन चेंज कराते हो तो ठीक है, नहीं वरना बस। तो भाई ठीक है, तो इस व्लॉग को करते हैं हम यही ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो बाय बाय। तो भाई कल बताएगा मुझे मेरी थार का अप्रूवल, मतलब मेल डाल दिया उन्होंने महिंद्रा के लिए, कब तक मतलब कि इंजन आ जाएगा उसका, और कल इनके पास अप्रूवल आ जाएगी, मतलब जो भी है कल पता लग जाएगा इनको इंजन आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी है वगैरह वगैरह। तो चलते हैं व्लॉग का करते हैं यही ख़त्म, और अगर आपको वीडियो पसंद आई ना लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है, कर देना यार।